लो आज़ भाई आए ने, शानी भाई आए ने, खोकर भाई आए ने, मेरे घर आए ने। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, मैनू बहुत चाहत हुई है मेरे घर आए ने। मैनू इन्नी कु खुशी है कि मैनू इंज लग रहा जिस ईद का दिन हो गया मेरे पास। चांद रात आज हो गई, आज वैसे भी माशाल्लाह साड़ी ईद। हाँ जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जी। मैनू चार चांद लग गए ने, पाजी लगना या ना लगना एक बखरी गल है, लेकिन मेरे घर आए ने मैनू बहुत खुशी हुई। और मेरे वीर ने, वो मेरा छोटा भरा है, यह भी मेरे तो छोटा है, यह भैन ने साडे नाल, चलो इन्ना साडा आप जी शौक हो गया रलदा मिलता। असी शौक की हद तक शौक किया है, साडा चेतर दो तवार साढ़े चार तवार विसाख दे लगे ने, और असी बड़े प्यार मुहब्बत नाल शौक करांगे। साडी कोई लड़ाई नहीं, कोई दावत नहीं, साडे नाल कोई नहीं, या कोई धर्म भरामी है मेरे बहुत दूर नहीं है। दो चेतर लागे ने और बड़ी प्यार बदला। बाकी भाई जान दसो कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली बात तो हम उस्ताद जी का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खुश मिजाज पर्सनैलिटी है, बड़े दिलदार बंदे हैं, मैंने पहले भी बोला है। और मियाँ मेरे पिंड में जितने, मैं तो इतना नहीं जानता, अभी आना पैरना शुरू हूँ, बड़ा मज़ा आया। यानी कि खुले दिल के बंदे हैं, खिलाना पिलाना जानते हैं, खुश होते हैं। आजकल के दौर में कोई किसी को खिला देना या अच्छे अंदाज से बोले, ये भी बड़ी बात होती है। बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा शौक करना है, शौक शौक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये मेरे से सीनियर है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। खेल को खेल ही रहने देंगे, हम कोशिश करेंगे उड़ा के आप दोस्तों को शौक दिखाने की। बस कबूतरों तक की लड़ाई है, कबूतरों तक का शौक है। जातियात में हमारे बड़े हैं, उस्ताद है हमारे, और हम इनकी इज्जत करते हैं। और बड़े मोहब्बत प्यार से शानी भाई का भी और मेरा भी शौक हुआ है। तो उस्ताद जी ने बड़ा मजा मजाक किया, बड़ा शुगर मेरा लगा है, बड़ा कुछ खिलाया हमें, बल्कि और कुछ भी खिलाया। तो हमने तो कहा उस्ताद जी बस माफ़ी दे दे। तो बड़ा मोहब्बत प्यार, बड़ा अच्छा लगा यार। ऐसा रीव होना चाहिए कि दो बंदे कोई देखें तो कहे यार वाकई इनका शौक हुआ है। मोहब्बत प्यार ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाजी के बाद आप एक दूसरे को बुलाने के रवादार नहीं है। इंशाल्लाह हमारा आगे भी मिलना जुलना होगा। एक तरफ से मियां मीर, एक तरफ से धर्मपुरा शौक को प्रमोट करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। बाकी गेम हार जीत बनी हुई है, तो इंशाल्लाह हम भी तैयारी करेंगे, साथ जी भी तैयारी करेंगे। तो पुराने खिलाड़ी हैं, चलो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही है, अब इंसान बड़ी छतों से बाजी लगाता है, पुराने उस्तादों से लगाता है, तो सीखता रहता है। पर कबूतरबाजी साथ जी ऐसी है, इसमें ना छोटा, इसमें बड़ा मौके की बात है। साड़ी छत ऊंची लेकिन है ऐसी नीचे। दफा चुका लग गई है, अपा रात जाल लाने, अज रात को जाल लाना है, उनकी सिर लाना है, धड़ रहेगा, चल चलेगा। हम आसा भाई जी तुम कुछ दस गए जी, भाई तुम दसो। नहीं जी, जो से पिले भाई से छोटा शौक होना था हमारा, दो छतों से हो गया, और खोखर की छत से और शानी भाई की छत से वो शौक हमारा तय पा गया। बसार का और चेतर के दो इतवार शानी की छत से 11 वाला और 15 वाला जो था वो तय पा गए हैं। और ये हमारा शौक जो सा होगा, प्यार मोहब्बत में होगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, बाप जान हैं, ठीक है, और बड़े प्यार वाले बंदे हैं। और जितना प्यार और जितना लव इन्होंने हमें अपने घर में दिया है ना, मैं वो आप लोगों से बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है कि इनसे मिलके इसलिए मज़ा आया, शो करने का इसलिए मज़ा आया, और इतने प्यार मोहब्बत से और अच्छे तरीके से उन्होंने बिठा के ये हमारी बाजियाँ लगी हैं, उम्र खोखर की छत से और शानी की छत से, और लव किया इन्होंने। मैं कहता हूँ मज़ा आया इनसे मिलके। मैं पहली मरतबा इनके घर पर आया हूँ, पहले आते रहे हैं ये, लेकिन मैं पहली मरतबा आया हूँ। और बिल्ले भाई के दो साहबजादे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे बिल्ले भाई हैं वैसे वो दोनों बच्चे हैं। और आगे भी इन बच्चों से प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, एक वीडियो बना रहा है एक भाई ये आ गया, ये वो भाई है जो पीछे से एडवाइस देते हैं। ऐसी ऐसी है दोस्तों, बड़ा छुलान की वीडियो थे, और ऐसे ही होना चाहिए रीत, ऐसे ही होना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे कि शौक को ऐसे ही रखना चाहिए कि सिर्फ
कबूतरबाजी की हद कर रहे, इंसान को अपना आप और बड़ा छोटे की तमीज मत भूले। बस मैं यही बात करना चाहता हूँ। माशाल्लाह जिथे तैयारी ना हुई मेरा वर्कआउट कर सकते हैं, कोई किसी चीज का लेन देन नहीं होगा। दूजी गल इन्हों कबूतर ठीक है जिस तरह भी है, मेरी मुनसर क्या होगा, मैं हर लेवल कबूतर दयागा, कबूतर घर आना चाहिए, मेरे कबूतर इन्होंने दिता जाएगा भी लाता नहीं। मैं तो छोटा है, मैं खुद अपने मोहब्बत ने इन्होंने कहा कि कबूतर घर पूरे करे, इनका कबूतर दिता जाएगा। मैं इन मेरा मुनसर भावे मेरी भावे जिस तरह मर्जी लगी हो, मैं बिलकुल कबूतर दया। बड़ा बचा की कोशिश की, लेकिन दोस्तों शौक है और इंशाल्लाह पहले भी साडा शौक होंदा रहा माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन अज तक कोई मामला नहीं होए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जरा गाना क्या होते मामला तत्काल होना था, खास तौर पर अज तक नहीं कभी हो ना हो गए। तो इंशाल्लाह जिन्हें मेरे वीर भरा ने शौक को प्रमोट करो, देखो ड्रामेबाजियाँ अभी बाहर वाले जो भरा दोस्त हैं या पाकिस्तान के अंदर ने सब देखते हैं, जोड़ा शौक है ना वो आके उन्होंने घर से इंजॉय करना होंगे। लेकिन अब जो वीडियो लाने नवी ड्रामेबाजी शुरू हुई होंगी है, खास तौर पर जो सा मुसलमान भरा ने होर भी जो इंडिया जो भी अक्सर यही गल करते कि कहते यार देखो ये आपस ही लड़ते जुड़ते रहते हैं यार, आपस हर बंदा नहीं लड़ता है भाई, कुछ लोग गल ऐसा कर देते हैं इखलाक के तो गिरी हुई हैं, अगले तय ताजी हम कोई बात करते हैं बिलफर इंसान की बर्दाश्त होती है, तो फिर आप ऐसी बात आगे करते मीडिया पे जहाँ पे हजारों लोग देखें जिसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जो हकीकत ही नहीं है, तो फिर आपको नहीं गुस्सा आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी बात नहीं, हम इनके घर बैठे हैं, इनसे माशाल्लाह इन्होंने हमें बड़ा अच्छा खिलाफ ला के भेजा था, अभी आप इंशाल्लाह उसकी कदर करेंगे, बहुत अच्छे इंसान है, शौक है, शौक को ऐसा शौक करेंगे दुनिया देखेगी यार बाकी ये हरीफ है दूसरे से, इन्होंने शौक किया बिल्कुल आजी से मोहब्बत से प्यार से, कभी कोई बात नहीं होगी, ये आपको इंशाल्लाह आने वाला वक्त बता देगा। वाला साहब तो है वो बच्चे भी ऐसे शुक्र मिला करते हैं मजा है यार अपना वो मेरी लाड है, वो मेरे ना मेरे यारा दोस्तों को मेनू डांटते रहते हैं, मेरे प्यो ने मेरी कबूतर भाई मेरी छत है, मैं खुद नहीं करता, मैं दफ्तरी बंदा वा, मैं जाना होता है, ये भी कपड़े कपड़े काम से चले जाते हैं, मेरा भाई है लाल भाई मेरा ये पिछो कबूतर बाकी यही करता कुर्ता कबूतर बाकी कला ही करता है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਛਾਤ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਛਾਤ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੰਜ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਰਤੂਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਾਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਬੈਸੋ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਸ ਕਿੱਥੇ ਪੈਟਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।